आज की कहानी उत्तर प्रदेश की रहने वाले रोहन की है, जिसके साथ उस रात को रेलवे स्टेशन पर एक खतरनाक डायन से सामना हुआ था। आखिर उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं आज की कहानी रोहन की जुबानी। ये हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय यूपी के बदायूं में थे। मुझे उनका शोक संदेश बदायूं से 35 किमी दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहां से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया, वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के जोर से हंसने की आवाज आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूंगी। ये कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था। मैं जोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहां सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए वो एक डायन थी, आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहां चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही दिलचस्प डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।